बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम जी। आल फॉर यू कुकिंग एंड व्लॉग के किचन में खुश आमदीद। आज बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान सी अफ्तार टाइम रेसिपी है, तो बनाना शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले आपने वीडियो को एंड तक देखना है, लाइक कमेंट शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करने वाले बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो लाइक ज़रूर कीजिएगा क्योंकि वीडियो है ही बहुत अच्छी, रेसिपी बहुत मज़े की है। बनाएंगे, ट्राई करेंगे तो आपको यकीनन बहुत पसंद आएगी। यहाँ पर मैंने आलू बॉईल कर लिए हैं। ये आलू जो हैं वो दरमियाने साइज़ के हैं, 7-8 अदद आलू हैं मेरे पास। ये 10 आलू हैं मेरे पास, यानी कि 1.5 पाव आलू हैं तकरीबन। तो यहाँ पर मैंने आलू बॉईल करके अच्छे से और इसको मैंने छील लिया है। अब मैं इसको ग्रेट कर लेती हूँ ताकि इसमें कोई गुठली वगैरह ना रहे, तो उसके बाद मिलती हूँ आपसे जी। आलूओं को हमने अच्छे से ग्रेट कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे, बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं, आधी चाय की चम्मच काली मिर्च का पाउडर, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च और थोड़ा सा नमक। नमक आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डालना है, लेकिन एक चीज़ जो इसमें जाएगी और जो बहुत ज़रूरी है वो है हरा धनिया। कटा हुआ हरा धनिया हम इसमें शामिल करेंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है डालना, देखने में भी और लज़्ज़त के हिसाब से भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस इतनी सी चीज़ें जाएंगी इसमें। आप चाहें तो मसाले को तेज़ कर सकते हैं, लेकिन लाइट मसाले जो हैं वो इसमें अच्छे लगते हैं। अभी एक चीज़ इसमें और जाएगी और वो है, मैं आपको बताती हूँ क्या चीज़ हम इसमें डालेंगे जी। ये है मैदा, 1 खाने का चम्मच हम इसमें मैदा डालेंगे, इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे। और इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। बिल्कुल मैदा हमने इसलिए डाला है ताकि ये बाइंडिंग हो जाए इसकी अच्छी सी, और हमने इसको अच्छा सा मिक्स कर लेना है। कोई गुठली नहीं है इसमें, ये बहुत ही फाइन जो है वो हमने इसको मैश किया है। आपने भी बिल्कुल ऐसे ही करना है, बहुत ही आसान और बहुत ही आला रेसिपी है ये। आपने ज़रूर ज़रूर ट्राई करना है, फिर मुझे बताना है। कमेंट आप लोग करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है और मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये आपके कमेंट से पता चलता है। और यहाँ पर हमने अच्छा सा इसको मिक्स कर लिया है, इसको करते हैं साइड पर। यहाँ पर हमारा एक मरहला जो है वो कम्प्लीट हो चुका है, यहाँ पर इसको साइड पर कर देते हैं। अच्छा जी, अगले मरहले में हमारे पास है मेयोनीज़, तो हम मेयोनीज़ को तकरीबन 2 खाने के चम्मच एक बाउल में निकाल लेते हैं, ठीक है, जितनी हमें ज़रूरत पड़ेगी। अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो हम ज़्यादा भी ले सकते हैं, थोड़ी सी और निकाल लेते हैं। और इसमें शामिल करेंगे थोड़ी सी कुटी हुई लाल काली मिर्च और एक चुटकी नमक, क्योंकि मेयोनीज़ खुद भी जो है वो नमकीन होती है, तो इस वजह से हम इसमें ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे। अगर नहीं भी डालें तो कोई बात नहीं, और इसको मिक्स करेंगे। लेकिन इसमें भी जो सबसे मेन इन्ग्रीडियंट हम डालेंगे वो है हरा धनिया, ठीक है। हरा धनिया इसमें भी हम डालेंगे, जो कि बहुत ही इसको अच्छा लुक देगा, बहुत ही जायका बनेगा इसका। तो बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है, ज़रूर आपने ट्राई करनी है। थोड़ा सा धनिया हम और शामिल कर देते हैं ताकि फीलिंग अच्छी सी बन जाए। हम बना रहे हैं क्रोकेट्स, बहुत ही आला किस्म के, बहुत यूनिक किस्म के क्रोकेट्स हम बना रहे हैं। इसमें थोड़ी सी मेयोनीज़ और शामिल कर देते हैं। ये वाले क्रोकेट्स आपने शायद ही कभी खाए हों, बहुत कम लोग जानते होंगे इस तरह क्रोकेट बनाने का तरीका। तो हमने मिक्स कर लिया और इसको साइड पे रख देते हैं। अब यहाँ पर हमने एक अंडा लिया है, 1 चुटकी काली मिर्च और 1 चुटकी नमक भी इसमें शामिल कर दिया है, और इसको अच्छा सा हम फेंट लेंगे। अब हम जो है इतना पीस लेंगे जितना पीस आपको चाहिए, जितना बड़ा आप क्रोकेट बनाना चाह रहे हैं, तो इसको हम इस तरह दबाएंगे, थोड़ा सा होल बनाएंगे, और जो हमने फिलिंग तैयार की थी मेयोनीज़ की वो हम इसमें रखेंगे। अब ये आप पे डिपेंड करता है, आप कितनी फिलिंग इसमें पसंद करते हैं। और इसको इस तरीके से बंद कर देंगे, ये देखें बहुत आराम से ये बंद हो जाएगा। और अदरवाइज़ अगर ये ऊपर से थोड़ा सा रहता है तो थोड़ा सा आलू का मेज़ा हम और लेकर इसको इस तरीके से दबा के बंद कर देंगे, ये देखें बस ये बंद हो गया। अब चाहें तो आप गोल शेप रख सकते हैं और चाहें तो थोड़ी सी लंबी शेप दे सकते हैं, जैसे आपका दिल करता है। ये देखें बस ये तैयार हो गया इस तरीके से। अब हम इसको सबसे पहले जो है मैदे में कोट करेंगे, ये देखें इस तरह ये बहुत ही क्रिस्पी और कुरकुरे बन जाएंगे। मैदे में कोट करने के बाद हम अंडा जो हमने फेंटा था हम उसमें डिप करेंगे, और उसमें डिप करके निकाल के फिर हम ब्रेड क्रम्स में करेंगे। ये देखें ब्रेड क्रम्स में अच्छे से इसको रोल करेंगे ताकि ये मज़ीद क्रिस्पी हो जाएं, हर तरफ से कर लेंगे और इसको यहाँ पर रेडी करके रखते जाएंगे। इसी तरह हम तमाम बना लेंगे।
तो रेडी कर लिए हैं हमने तमाम क्रोकेट्स, अब इनको फ्राइंग करने की बारी आती है। और यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूँ, अगर आप चाहें तो यहाँ पर इसको स्टोर भी करके रख सकते हैं। सिर्फ आपने मैदे और अंडे वाली कोटिंग जो है क्रम्स वाली ये नहीं करनी, आप क्रोकेट्स बना के इसको फ्रीज कर दें। जब आपने फ्राई करना हो आप इसी मैदे की कोटिंग करें, अंडे में डिप करें और फिर क्रम्स में डिप करने के बाद जो है रोल करने के बाद आप फ्राई के लिए इसको तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप इसको स्टोर कर सकते हैं। तो हम इसको अब फ्राई करेंगे। तो जी घी हमारा हो चुका है गरम और घी को मीडियम कर देंगे हम गरम करने के बाद फ्लेम को, और हम इसमें अपने क्रोकेट्स डालेंगे। ये देखें थोड़ी देर हम इसे छेड़ेंगे नहीं, ठीक है। अंदर से तो आलू इसके बिल्कुल गले हुए हैं, हमने सिर्फ इसको हल्का सा कलर देना है, प्यारा सा सुनहरी सा कलर देना है। तो देखें हमने इसको पलट दिया है एक मिनट के बाद। तो बस 2 से 2.5 मिनट में हमारे क्रोकेट्स जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह फ्राई हो जाएंगे। मीडियम से हमने थोड़ा सा हाई कर दिया है फ्लेम को ताकि ये घी अंदर ना चूसें ज़्यादा। तो हमने एक प्यारा सा कलर देकर क्रोकेट्स जो हैं वो बाहर निकाल लेने हैं, थोड़ा सा उलट पुलट कर देंगे ताकि हर जगह से इक्वल कलर आ जाए इसका। निकाल लेंगे क्रिकेट्स बाहर क्योंकि अच्छा सा कलर आ चुका है इनका, बस हमें इतना ही चाहिए। अगर आप ज़्यादा डार्क करना चाहते हैं तो ज़्यादा डार्क कर सकते हैं। घी अच्छा सा निचोड़ लेंगे हम इसमें से। ये देखें कितने प्यारे, बड़ी सौंधी सौंधी सी खुशबू आ रही है, कितने अच्छे क्रिकेट्स हमारे तैयार हो रहे हैं। तो बाकी के भी हम इसमें शामिल कर देते हैं। मैं आपको कट करके दिखाऊँगी अंदर से। तो तैयार है जी हमारे अंदर से बहुत ही जूसी और नरम और ऊपर से इतने क्रिस्पी क्रिस्पी से क्रोकेट्स जो कि बहुत ही यूनिक रेसिपी के साथ मैंने तैयार किए हैं। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक का बटन लाजमी दबाना है, आपने कमेंट करके भी बताना है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो मैं आपको काट के दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें ये देखें। तो कैसी लगी है जी आपको आज की रेसिपी, ज़रूर ज़रूर आपने बताना है, लाइक कमेंट शेयर लाजमी करना है। एंड तक वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिले। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।